दोस्तों, जिस तरीके से सेबी ने पैसे देने की दोबारा से ये प्रोसीजर चालू किया है, तो दोस्तों उसके संदर्भ में आज मैं आपको बता दूं कि 5,000 रुपया जो इस वक्त सेबी विभाग ने अपना देना शुरू किया है, तो दोस्तों पिछले साल 2,500 रुपया देना शुरू करा था और इस साल 5,000, तो दोस्तों इससे अगले साल हो सकता है कि ये 9,000 दें। तो दोस्तों इस तरीके से 50 साल लग जाएंगे। जो बड़े निवेशक हैं दोस्तों, जिनके 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, उन निवेशकों का पैसा दोस्तों इस तरीके से तो 20 साल में भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तमाम बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों हमारे भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच की तरफ से 2 दिन पहले एक पोस्ट आई थी, लेकिन दोस्तों हम इस 5,000 के जो लॉलीपॉप इस वक्त सेवी विभाग ने हमें दिया है या लोढ़ा कमेटी ने हम तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो दोस्तों हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इतना कम अमाउंट भेजना और 1 साल पूरे प्रतीक्षा करने के बाद कि 2,500 वालों के बाद जब सभी निवेशकों के बॉन्ड सबमिट करा लिए गए तो हो सकता है कि सबका रिफंड पूरा दिया जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत सामने निकल कर आ रही है। तो हम बात कर रहे थे भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच की। दोस्तों आपका हमारे एस टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो पर बने रहें ताकि हम आपको भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच की पूरी पोस्ट सुना सकें। आइए शुरू करते हैं कि पोस्ट में क्या लिखा है। पोस्ट में विकास त्रिपाठी जी ने लिखा है कि आप सभी को बता दें कि 6 नवंबर दिल्ली चलो के कार्यक्रम को देखते हुए हम सभी पीड़ित साथियों को एक लॉलीपॉप दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो दे चुके हैं, सरकार तक हम सबकी खबर पहुंच गई है, पर हम सबको बैठना नहीं है या ध्यान रखना है। अभी कुछ संगठन वाले, कुछ सीनियर साथी जो अन्य कंपनियों से जुड़े हुए हैं, वह सब यही कहेंगे कि अब सबको पैसा मिलने वाला है, घरों में बैठो। पर याद रखना, दबाव बार बार नहीं पड़ता है, नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से बनता है। इसे बनाना, बनाए रखना, नहीं तो 2-4 वर्षों के लिए भुगतान भूल जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने भी आपको बताया था, बिल्कुल वही त्रिपाठी जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पोस्ट के माध्यम से। आगे कहते हैं, नहीं तो 2-4 वर्षों के लिए भूल जाना होगा। यह हमारी बात मुंबई से भी ऑफिस से हुई है। कमेटी और सरकार पर ज़बरदस्त दबाव बना हुआ है। 6 नवंबर सभी कंपनियों के लिए ये यादगार दिन होना चाहिए, ताकि भविष्य में सरकार इनको लाइसेंस देने से पहले 2 बार सोचे कि किस बात ना माने, किसी की बात ना माने। 6 नवंबर दिल्ली चलें, यही मेरा निवेदन है। 10 साल नहीं, 10 दिनों में भुगतान लेना है। दम लगा दो सिर्फ एक बार, यह अंतिम आंदोलन होगा इस कंपनियों के लिए। बाकी आप सबकी मर्जी, मेरी सोच और मेरा विचार। जय हिंद, जय भारत। विकास त्रिपाठी, कानपुर वाले। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि सेवी या लोढ़ा कमेटी के चक्कर में अगर आप घर बैठे रहे तो आपका पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जाने कितने साल लग जाए और आपका पैसा जब भी पूरा ना मिले। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा 6 नवंबर को अभियान चलाया जाएगा। इससे सभी देश भर की जितने भी कंपनियों को बंद किया गया, उनके पीड़ित निवेशकों के लिए यह आह्वान किया गया है कि 6 नवंबर को सब एकत्रित होकर एक बड़ा दबाव बनाया जाएगा दोस्तों, जो कि मोदी जी के आवास को घेरने का एक प्लान है, और अपनी सभी कंपनियों के निवेशक अपनी बात को वहां पर रखेंगे। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि सरकार हमारे इस अभियान को फेल करने के लिए 5,000 का ये लॉलीपॉप हम तक पहुंचाने की जो इन्होंने प्रोसीजर चालू किया है, तो दोस्तों इनके झांसे में ना आए और अपने संगठन को मजबूत बनाकर और अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर 6 नवंबर
इस अभियान को सफल बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी अपडेट लेकर।